अभी तक तो हम लोग सुनते थे लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, चिकित्सा जिहाद है, व्यापार जिहाद है, लोग जो है खाने पीने की चीज में थूक लगा देते थे लोगों को भ्रष्ट करने के लिए, अब फिल्म जिहाद। लेकिन ये कौन सा जिहाद है कि लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू बन करके शादी करके, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने के बाद तब तक 12 साल तक वो अपने आप को छिपाई रही, और इसके बाद जो है बच्चे का खतना करा देना, फिर सर कलम करने की धमकी दिलाना। अभी आपने ये वीडियो देखा, अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जगवीर नाम के एक शख्स की 12 साल पहले पूजा से शादी होती है, उनके दो बच्चे भी हैं। लेकिन अब जगवीर को ये पता चल रहा है कि उनकी पत्नी पूजा असल में पूजा नहीं बल्कि हसीना बानो है। जगवीर ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा, आरोप लगाया है कि पत्नी की सच्चाई सामने आने के बाद उन पर भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जगवीर का कहना है कि उन्हें धर्म परिवर्तन ना करने पर सर कलम करने की धमकी दी जा रही है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। आज तक के बनवीर सिंह की खबर के मुताबिक जगवीर ने एक दिन हसीना को बच्चों को नमाज पढ़ाते हुए देख लिया। जगवीर को जब शक हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और पत्नी दोनों बच्चों के साथ यूपी के ही प्रतापगढ़ में अपने मायके चली गई। वापस लौटने पर जगवीर को पता चला कि उनके बेटे का खतना भी करवा दिया गया है। इस पर जब जगवीर ने विरोध जताया तो विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि हसीना के माता पिता ने स्थानीय दबंग राजू उर्फ नसीर से संपर्क किया और जगवीर पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने को कहा। नसीर ने जगवीर से इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया और ना करने पर सर कलम करने की भी धमकी दी। कलम करने की धमकी दे रहा है राजू नाम का व्यक्ति, ये हमारे जो है हसीना बानो के माता पिता, उनके भाई बहन, सब कुछ भाई बहन जो है, बार बार हमको धमकी उन्हीं से मिल रही है, पांच छह लोग से। बस यही कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जो है इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो अपनी जमीन जायदाद हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा जो है। इसके बाद जगवीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 18 सितंबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक मुठभेड़ के बाद नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताते हैं कि पूजा और जगवीर की शादी कैसे हुई थी। ये हमारे रिश्तेदार जीजा को मिली फैजाबाद स्टेशन पे, तब वो कह रहे थे हमारा नाम पूजा है, हमारी कहीं शादी करा दो। और फिर शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में हमको ये पता चला 2020 में कि ये जो है इसके बदलाव होने लगा, हिंदू से जो मुसलमान में बदलाव हुआ। उसके बाद फिर हम ये नमाज वाज पढ़ने लगी, बस हमने जैसे रोका तो हमको जबरदस्ती मारने पीटने की धमकी देती थी। बताया जा रहा है कि शादी में लड़की की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। अब जाते जाते आपके लिए एक जरूरी सूचना, गेस्ट इन द न्यूज रूम के इस एपिसोड में आ रहे हैं खान सर, वही पटना वाले। बम, शादी, पढ़ाई लिखाई, मतलब सब कुछ खंगाला है, बहुत नया कुछ मिलेगा। कल आ रहा है पूरा इंटरव्यू सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। शुक्रिया।